सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट DSLR कैमरा अंडर 30,000। दोस्तों, बिगिनियर लेवल के जो रहते हैं कैमरा, वो 30,000 की प्राइस में आते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बेस्ट कैमरा मिलते हैं, बहुत अलग अलग ब्रांड के मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जो सजेस्ट करने वाला हूँ, निकन और कैनन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 30,000 में यही बेस्ट कैमरा प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिकेशन वगैरह जो फीचर्स हैं, यही कैमरे दो कंपनी है जो यहाँ पर हम लोग को अच्छे कैमरे प्रोवाइड करती हैं। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब तक आपको कैमरे को ना मैनुअल मोड यूज नहीं करके करने आएगा ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये सोचते हैं कि नहीं यार, हम लोग छोटे से कैमरे से, जो स्टार्टिंग लेवल का, बिगिनियर लेवल का कैमरा है, तो उससे हम लोग कैसे शूट कर पाएंगे अच्छे से। तो ऐसा नहीं है, आपके पास एक बंदा रहना चाहिए जिसको अच्छे से कैमरा चलाना है, या आपको मैनुअल मोड कैमरे का यूज करना चाहिए, फिर आप बिगिनियर लेवल, एंट्री लेवल कैमरे से भी बहुत अच्छी शूट कर सकते हो। मैं जो भी कैमरा यूज कर रहा हूँ, D3500, वो भी एक एंट्री लेवल कैमरा है, 28,000 रुपए का आता है, लेकिन इसी का अपग्रेड मॉडल मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, सबसे जो मेन दो चीजें मैं बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट रहती है, वो है FPS, फ्रेम पर सेकेंड, और उसी के साथ फोकसिंग पॉइंट। उसके बाद जो आते हैं मेगापिक्सल हो गया, ISO हो गया, तो ये सब जो चीजें हैं, ये लगभग आपको सभी कैमरों में आप देखेंगे ना, सोनी वगैरह में जाएंगे तो वहां पर आपको सब सेम मिलेंगे। निकन में भी आपको 1300D, 1200D, 1500D हो गया, और निकन में आएंगे तो D5300, मतलब बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर हाईली रिकमेंड करूँगा, सिर्फ दो मैं बताने वाला हूँ आपको, दो कैमरा बताने वाला हूँ जो आपकी चॉइस हो, आप ले सकते हो। तो दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर मेरा कैमरा आता है, वो है कैनन का 1500D, जो कि 1200D और 1300D का सक्सेसर है। और ये दोस्तों लॉन्च हुआ था फरवरी 2018 में, और इसमें दोस्तों सीमॉस सेंसर, दोनों में आपको सीमॉस सेंसर देखने को मिलेगा, प्लस इसमें आपको मिलता है DJI 4+ का प्रोसेसर। अगर दोस्तों बात करें फोकसिंग पॉइंट की, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 9 फोकसिंग पॉइंट, और अगर बात करें फ्रेम पर सेकंड की, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 3 फ्रेम पर सेकंड, 3 FPS मिल जाते हैं, 24.1 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर है 12,800 का ISO आपको मिल जाता है। तो ये सब जो ISO या मेगापिक्सल, ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे नो मैटर, कुछ मैटर नहीं करता। और दोस्तों, इसकी जो प्राइस है 29,000 की है। और दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर कैमरा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये फर्स्ट नंबर वाला कैमरा आप ले लो। जो मैं कैमरा भी यूज़ कर रहा हूं, जो ये वीडियो आप देख रहे हो, ये शूट हो, ये निकन D3400 से, और इसी का अपग्रेड आ चुका है निकन D3500, और ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है अगस्त 2018 में। तो इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, और प्राइस बस सिर्फ 1,000 का फर्क है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब दोस्तों, इसके मैं आपको बता देता हूं, यहां भी आपको सीमॉस सेंसर मिल जाता है, प्लस यहां पर एक्सपीड 4 का आपको प्रोसेसर मिल जाएगा कैनन, और ये लगभग सेम है। और लेकिन यहां पर दोस्तों, जो फोकस पॉइंट मिल जाते हैं, वो यहां पर आपको मिलेंगे 11, जबकि कैनन में हम लोग को मिल रहे थे 9। अगर मैं बात करूं फ्रेम पर सेकंड की, तो हम लोग को कैनन में मिल रहे थे 3 फ्रेम पर सेकंड, यहां पर हम लोग को मिलते हैं 5 फ्रेम पर सेकंड। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स हैं 5 फ्रेम पर सेकंड। जैसे आप कुछ चीज मूव हो रही है, दौड़ रही है, बाइक का शूट कर रहे हो, तो यहां पर आपको फ्रेम पर सेकंड बहुत ज्यादा काम आता है, जो कि निकन में ज्यादा दिया गया है। 24.2 मेगापिक्सल का यहां पर आपको सेंसर मिल जाता है, ये लगभग सेम है। ISO की बात करें तो 100 to 25,600, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैं पहले ही बता चुका हूँ ISO। और 28,000 इसकी प्राइस है, 28 या 29 प्राइस है, लगभग दोनों की प्राइस सेम है, 1-2 हज़ार रुपये का डिफरेंस रहेगा। जहां पर बेस्ट प्राइस मिलेगी ऑनलाइन में, फ्लिपकार्ट, अमेजोन में, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप ले सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको अंडर 50,000, 40,000 या ऐसे प्राइस रेंज में कैमरा चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर डालूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।